हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो इतिहास विषय के लिए जो प्रश्न बैंक हल की जो सीरीज चल रही है, आज उसका ये पांचवा पार्ट है। तो अभी तक भी जिन्होंने हमारे चैनल एजुकेशनल गोल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ज्वाइन करें, ताकि हम आपको PDF प्रोवाइड कर सकें और इससे आपको मदद मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका रिस्पॉन्स इस सीरीज पर अच्छा आ रहा है, तो देखिए ये हमने आज अध्याय लिया है, नवा शासक और विभिन्न इतिवृत्त, मुगल दरबार लगभग 16वीं एवं 17वीं सदी। तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, मुगल कालीन चित्रकला रिक्त स्थान के काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची। तो मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में अच्छी स्थिति में थी? तो जहांगीर। ये मैंने यहां पर फिर से आंसर सभी के दिए हुए हैं, लेकिन आप मेरे साथ समझिए। अगला प्रश्न है, रजमनामा के नाम से रिक्त स्थान ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया। तो ये महाभारत है। अगला प्रश्न है, नस्तलिक रिक्त स्थान की पसंदीदा शैली थी। तो ये अकबर, इसका आंसर आप देख सकते हैं, अकबर है। अगला प्रश्न है, 16 एक कुल के आदर्श को रिक्त स्थान ने बढ़ावा दिया। तो 16 एक कुल के आदर्श को अकबर ने ही बढ़ावा दिया। अगला प्रश्न है, आइन ए अकबरी या आइन ए अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल था। आप सभी को पहले से याद होगा, तो ये सभी इनके आंसर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य में लिखिए। मुगल काल में झरोका दर्शन की शुरुआत बाबर ने की थी क्या? तो ये असत्य है। अगला है, अकबर ने फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये सत्य है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में स्थित है। तो ये भी सत्य है। और गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। सत्य है। मुगल तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे। तो ये भी सत्य है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय 11, विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। तो इसमें सही जोड़ी है। तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई ये कहां से बिलोंग करती थी? इसमें आ जाएगा झांसी। ठीक है, बहादुर शाह जफर, तो ये दिल्ली के सुल्तान थे, बादशाह थे। ठीक है, उसके बाद है नाना साहेब, तो ये जो है कानपुर से बिलोंग करते थे। कुंवर सिंह, ये जगदीशपुर से बिलोंग करती थी करते थे। और बेगम हजरत महल, ये लखनऊ से बिलोंग करती थी। ठीक है, तो ये इन सभी के आंसर यहाँ दिए हुए हैं। मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, सभी सही जोड़ी के आंसर है, झांसी, दिल्ली, कानपुर, जगदीशपुर, लखनऊ। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे देखते हैं। ये सत्य सत्य इसी पार्ट से कि सहायक संधि व्यवस्था लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई थी। तो बिल्कुल सत्य है। वास्को डिगामा सन 1498 में भारत पहुंचा, यह भी सत्य है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, यह भी सत्य है। 1857 ईस्वी स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल व रोटी था, यह भी सत्य है। और आखिरी का जो है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण धर्म परिवर्तन था, यह असत्य है। आप सभी को याद है कि 1857 की क्रांति का जो प्रमुख कारण है वो सुअर और मांस, मतलब सुअर और गाय की चर्बी मिलाकर सैनिकों को दे रहे थे, तो वो उसका तात्कालिक कारण रहा, जिसमें मंगल पांडे को जो फांसी हुई थी। तो ये हमारा पांचवा पार्ट भी आज पूरा हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।